बेसिकली आज की जो वीडियो है बेसिकली वो होम ऑटोमेशन की एक ट्रेनिंग वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि बेसिकली होम ऑटोमेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से आप भी अपने आप को स्किल अप करके होम ऑटोमेशन की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, आगे आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो जितने भी मैक्सिमम स्विच बोर्ड आपको मिलने वाले हैं वो सारे के सारे स्मार्ट स्विच बोर्ड मिलने वाले हैं। स्मार्ट स्विच बोर्ड की बात करें तो स्मार्ट स्विच बोर्ड बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यह है कि जो पुराने स्विच बोर्ड है उन्हीं को स्मार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या फिर स्मार्ट टच स्विच बोर्ड ही होंगे। तो दो तरह के स्विच बोर्ड आपको मिलने वाले हैं, या तो एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के अंदर ही आपको जो है रेट्रोफिट डिवाइसेस लगी होंगी, उस तरीके की हमारी रेट्रोफिट डिवाइस आती है जो कि एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के अंदर लगती है और उसको स्मार्ट स्विच बोर्ड में कन्वर्ट कर देती है, या फिर स्मार्ट टच पैनल होता है तो टच पैनल मिलेगा तो उसमें लगेगा। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में बेसिक उससे करते हैं कि बेसिकली घर की वायरिंग जो होती है वायरिंग किस तरीके से होती है और उसमें हमारे जो मॉड्यूल है वो किस तरीके से फिट हो सकते हैं। तो घर की अगर वायरिंग की बात करूंगा वायरिंग के अंदर क्या होता है, घर की वायरिंग के अंदर सबसे पहले एक मेन स्विच बोर्ड होता है। अगर हम वायरिंग की बात करें वैसे तो आप सब लोगों को वायरिंग आती ही होगी, लेकिन फिर भी हम वायरिंग से स्टार्ट करते हैं तो एक मेन स्विच बोर्ड होता है, उसको हमारा एक न्यूट्रल वायर आता है और एक फेस वायर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर दो वायर कनेक्ट होते हैं, एक तो न्यूट्रल वायर है और एक फेस वायर है। तो दो वायर यहाँ पर आ गए, बाकी अर्थिंग भी होता है लेकिन अर्थिंग को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं अपने इस वीडियो के अंदर ट्रेनिंग पर्पस से। तो न्यूट्रल वायर है और ये फेस वायर है। न्यूट्रल और फेस वायर से जब कनेक्ट होता है तो घर की वायरिंग में ये मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ पर हमारा एमसी भी लगी होती है, मेन स्विच बोर्ड है। यहाँ से मैं किसी एक रूम की बात करता हूँ, किसी एक रूम में अगर मैं बात करूँ तो वहां पर मान लें कि जो है ये हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, दूसरा बल्ब लगा हुआ है और ये थर्ड बल्ब लगा हुआ है, तीन बल्ब लगे हुए हैं और मान लिया एक फैन लगा हुआ है। इस तरीके से तीन बल्ब लगे हुए हैं और एक फैन लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा एक जो स्विच बोर्ड है वो ये स्विच बोर्ड है जिससे इसको कंट्रोल करेगा, ये स्विच बोर्ड है। ये स्विच बोर्ड है जिससे हम इसको बल्ब को ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये F1 है, इनको कनेक्ट कंट्रोल करने वाले इस रूम के, इसकी वायरिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से बेसिकली होती है और फिर हमारे जो होम ऑटोमेशन के मॉड्यूल है वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये और ये हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में हमारा जो है एक यहाँ पर हमने सॉकेट लगा रखा है, स्विच बोर्ड में सॉकेट भी होगा तो एक सॉकेट लगा रखा है स्विच बोर्ड में, बाकी ये चार है तो चार के लिए हमारा जो है चार फैन स्विचेस होंगे, एक स्विच ये रहा होंगे, सेकेंड स्विच, थर्ड स्विच और ये हमारा फोर्थ स्विच। टोटल ये हमारे चार स्विच होंगे स्विच बोर्ड के अंदर, क्योंकि चार अप्लायंसेस को हमें कंट्रोल करना है तो चार स्विच होंगे। अब वायरिंग किस तरीके से होती है, घर की वायरिंग की अगर हम बात करें तो वायरिंग कैसी है, ये मैं वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि इस तरीके से हम चल रहे हैं कि अगर आपको वायरिंग की नॉलेज नहीं होगी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं, सीसीटीवी वाले लोग हैं तो सीसीटीवी का काम करते हैं, उनको वायरिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वो भी अपना होम ऑटोमेशन में काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को देख के एक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रीशियन लोग हैं जो वायरिंग करते हैं उनको तो वैसे ही उनको सब कुछ पता हो, तो यहाँ पर भी हम इन्वर्टर वाली वायरिंग या सोलर की वायरिंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वायरिंग की बात कर रहा है। तो B1 हो गया, B2, B1 हमारा जो है बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, बल्ब 3 है, फैन 1 है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इन जितने भी हमारे ये बल्ब है या फैन है सब सबके अंदर दो वायर होते हैं, एक वायर 1 और एक वायर 2, वायर 1 वायर 2 सेम वायर 1 वायर 1 वायर 1 सेम वायर 2 वायर 2 वायर 2 सबके अंदर दो वायर होंगे। कोई भी अप्लायंसेस को देख लें तो दो वायर होते हैं, चार्जर को देख लें तो चार्जर के अंदर भी दो वायर होते हैं, हर किसी के अंदर दो वायर होंगे, तो अभी दो वायर से चलता है, प्रेस हो एसी हो सबके अंदर कम से कम दो वायर होंगे, अगर अर्थिंग को अगर हम निगलेक्ट कर रहे अर्थिंग को हमने निगलेक्ट कर दिया तो एक न्यूट्रल और एक फेस तब हमारा चलता है। अब हमारा क्या होगा इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा इसकी अगर वायरिंग की बात करें तो वायरिंग अगर हमें करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड पर आ गया, ये एमसीबी है यहाँ पर मेन स्विच बोर्ड पर आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनके पास एक वायर जो है वो डायरेक्टली जाता है मेन स्विच बोर्ड से, तो कौन सा वायर होता है जनरली वो न्यूट्रल वायर होता है, तो न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्टली हमारा जो है यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल वायर जो है यहाँ से कनेक्ट होते हुए
ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो न्यूट्रल वाला जो हमारा इसको इसको भी कनेक्ट हो गया, 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 मतलब चारों अप्लायंसेस को हमारा न्यूट्रल वायर आ गया। अब यहाँ पर सॉकेट है, तो सॉकेट भी एक अप्लायंसेस ही है। सॉकेट क्या है? अप्लायंसेस, जो कुछ ना कुछ अप्लायंसेस जुड़ने वाला, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे एसी हो, कुछ भी हो, तो सॉकेट भी अपने आप में अप्लायंसेस है। तो सॉकेट के पास भी एक न्यूट्रल वायर आ रहा है डायरेक्ट, तो सॉकेट को भी हमने एक न्यूट्रल वायर से यहाँ पर जोड़ दिया। तो न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पर भी आ गया करेक्ट, और तो सबको न्यूट्रल वायर चला गया। अब क्या ये सब कुछ चलेंगे? कोई भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी अभी जो है सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर फेस वायर अभी नहीं है, खाली न्यूट्रल वायर। सबको न्यूट्रल वायर क्या हुआ? इसको भी न्यूट्रल वायर, इसको भी न्यूट्रल, इसको भी न्यूट्रल, इसको भी न्यूट्रल, यहाँ पर फेस नहीं है। तो जब तक फेस नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं चलेंगे। अब अगर मुझे बल्ब बल्ब को जलाना है, तो बल्ब बल्ब को जलाने के लिए करना पड़ेगा, ये जो फेस वायर है, फेस वायर को मैं ग्रीन वायर से दिखाता हूँ। फेस वायर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फेस वायर को ग्रीन से दिया, तो फेस वायर जो है, फेस वायर को अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? बल्ब बन हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, क्योंकि कोई स्विच ही नहीं है बीच में, तो कंटिन्यूसली जलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहां से कनेक्ट ना करके हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, ये हमारा स्विच वन है, ये स्विच वन है, मान लिए ये स्विच है, ये स्विच के अंदर भी दो पॉइंट रहते हैं, ये हमने मान लिया, इससे हमें बल्ब बल्ब वन को जलाना है, यहाँ से हमें बल्ब टू को जलाना है, और यहाँ से हमें बल्ब थ्री को चलाना है, पर यहां से हम एक और स्विच लेते हैं, क्योंकि फैन के लिए हो, यहां से हमें फैन वन को चलाना है, और फैन का अगर रेगुलेटर होगा तो रेगुलेटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, अगर फैन रेगुलेटर होगा तो रेगुलेटर लगा दिया, ये रेगुलेटर है फैन का, तो यहां से हमें फैन रेगुलेटर चलाना है, तो फैन रेगुलेटर की वायरिंग को भी हम देते हैं। अब क्या होगा, अगर मुझे बल्ब बल्ब को जलाना है इससे स्विच से, ये थ्रू मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको ऑन करूँ तब मेरा बल्ब बना हो, तब क्या होगा, ये जो फेस वायर है, फेस वायर को हम जो है डायरेक्टली अगर मैंने दी तो डायरेक्टली बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर मैंने फेस वायर को यहां से कनेक्ट करके यहां से वायर इसको दे दिया फेस वायर, और यहां से सारे स्विचेस को मैंने एक एक फेस वायर दे दिया, कॉमन दे दिया फेस, तो क्या होगा, फेस वायर जो है यहां से जोड़ के सारे स्विचेस पर फेस वायर आ चुका है, सारे स्विचेस पर फेस वायर आ चुका है, और फैन वाले पर भी मैंने फेस वायर को दे दिया, तो क्या होगा, सारे स्विचेस पर हमारा जो है फेस वायर आ चुका है, और ये हमारा सॉकेट के लिए, इसको हम सॉकेट का स्टार्ट करते हैं, सॉकेट के लिए एस वन, तो सारे स्विचेस के लिए फेस वायर आ चुका है। अब मुझे अगर बल्ब बल्ब को स्विच ना बी वन से अगर मुझे ऑन करना है, तो क्या करूंगा, मैं बल्ब बल्ब का जो वायर है वो डायरेक्टली मैं जो है यहां से जोड़ूंगा बल्ब बल्ब। अब क्या हुआ, अगर हम देखें तो फेस जो है वो बल्ब बल्ब यहां पर, तो फेस ऑलरेडी था, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये स्विच के अंदर दो पॉइंट होते हैं, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये सॉल्व हो जाता है, और जैसे ही ये सॉल्व होगा, स्विच को ऑन करने का मतलब ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होने का मतलब ये बल्ब बल्ब हमारा ऑन हो गया, और स्विच को मैंने ऑफ करने का मतलब ये सॉर्टिंग हट गई और बल्ब हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरीके से बल्ब बल्ब की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम मैं बल्ब टू की बात करूं, तो बल्ब टू को भी मैं डायरेक्टली यहां से स्टेज से जोड़ देता हूँ, बल्ब टू को मैं डायरेक्टली यहां पर जोड़ दिया, तो बल्ब टू का हमारा जो वायर आ रहा था वो मैंने जोड़ दिया, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्विच टू को ऑन करूंगा, बल्ब टू को बी टू को ऑन करूंगा, इसको मैं एस वन बोल देता हूँ, इसको मैं एस टू बोल देता हूँ, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, जैसे मैं एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव, तो इसका मतलब जैसे मैं एस टू को ऑन करूंगा तो मेरा बल्ब वन ऑन हो जाएगा, जैसे मैं एस थ्री को ऑन करूंगा तो मेरा बल्ब टू ऑन हो जाएगा। अब मैं अगर बी थ्री से कनेक्ट करता हूँ, बी थ्री को एस फोर से कनेक्ट करता हूँ, तो अब मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से हमारा जो बल्ब, ये जो वायर आ रहा है, ये बी वन का वायर आ रहा है, ये मेरा बी टू का वायर आ रहा है, ये मेरा बी थ्री का वायर आ रहा है, और सेम फैन की बात करो, अगर मैंने फैन को डायरेक्टली मैंने इसे कनेक्ट कर दिया स्विच फोर से, स्विच फाइव से अगर डायरेक्टली, तो क्या हुआ, स्विच से मैंने ऑन किया, फैन मेरा ऑन हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल नहीं होगी। तो स्पीड कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता है, फैन को डायरेक्टली स्विच से कनेक्ट ना करके यहां से भी दो वायर निकलते हैं, रेगुलेटर से भी दो वायर निकलते हैं, तो रेगुलेटर को पहले सप्लाई देते हैं, रेगुलेटर के थ्रू हम फैन को कनेक्ट करते हैं, तो फैन का जो वायर है वो रेगुलेटर से छोड़ जाता है, फैन का वायर जो है वो रेगुलेटर के छोड़ जाता है। और सॉकेट की बात करें तो सॉकेट को एक अप्लायंसेस मिल गया, और सॉकेट को भी मैंने दूसरा वायर जो वो मैं जो है यहां से जोड़ देता हूँ, ये जोड़, तो इस तरीके से एस वन को मैं ऑन करता हूँ तो सॉकेट ऑन होता है, एस टू को मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब ऑन होता है, एस थ्री को मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब टू ऑन होता है, एस फोर को मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब थ्री ऑन होता है, एस फाइव को मैं ऑन करूंगा और रेगुलेटर को भी ऑन करूंगा, कभी रेगुलेटर ऑफ रखा तो क्या होगा, तो हमारा एफ वन ऑफ हो जाएगा, तो एस फाइव को भी ऑन करना है, रेगुलेटर को जितने भी करूंगा 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग फैन मेरा कंट्रोल होगा।
तो ये हमारी बेसिकली वायरिंग का डायग्राम है। एक रूम की वायरिंग अगर देखें तो मेन स्विच बोर्ड है, ये किसी रूम का स्विच बोर्ड है, उसके अंदर हमारे तीन बल्ब लगे हुए, एक फैन लगा हुआ, फैन एरोमेटिक कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये हमारी वायरिंग है, ये नॉर्मल वायरिंग होगी। अब इसमें ऑटोमेशन वाला पार्ट क्या होता है, ऑटोमेशन वाला स्विचेस क्या होते हैं, कुछ इस तरीके की स्विचेस लगे होते हैं, और इसको मुझे ऑन करता हूं तो ऑन रहता है, इसको मैं ऑफ करता हूं तो ऑफ रहता है। अब इस स्विचेस को हमने किस किस से रिप्लेस किया है ऑटोमेशन के अंदर, ये वाली जो रिले है, अगर हमारी अगर हमारा पेनड्राइव वाला मॉडल आप देखें तो उसमें हमने इस तरीके की रिले को यूज किया हूं। तो ये जो रिले है, ये रिले जो है वो ये स्विच है, इस स्विच को ऑन करने के लिए स्विच के अंदर देखेंगे दो पॉइंट दे रखे, तो रिले में भी दो पॉइंट दे रखे हैं, देखें जैसे इसका मतलब जहां ये स्विच लगेगा वहीं ये रिले लगने वाली है, स्विच की इस स्विच को रिप्लेस करेगी ये रिले, ये स्विच हट जाएगा ये रिले लगेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो दो पॉइंट है, तो यहां पर भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट जो मिल रहे हैं, यहां पर थर्ड पॉइंट भी है, ये थर्ड पॉइंट जो आपको देखेगा ये थर्ड पॉइंट है जो मैनुअली मैं ऑपरेट कर रहा हूं इसको, ये कब कब वर्क करता है, जब मैं इसको पुश करता हूं, जब मैं इसको पुश करता हूं तब ये सिग्नल देता है। सेम यहां पर भी थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट कहां जा रहा है, ये थर्ड पॉइंट कनेक्ट होगा मेरा, ये मेरा जो ये है कंट्रोलर का, तो इसका मतलब ये जो जैसे मैंने इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन का डायग्राम के लिए वायरिंग डायग्राम, वायरिंग कैसे करनी है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसके इंस्टॉलेशन के लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं कैसे करना है। यहाँ पर मैं बेसिकली कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिकली काम करता है, इससे क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वायरिंग के अंदर कहीं इन्वर्टर की वायरिंग है, कहीं सोलर की वायरिंग है, किसी भी टाइप की वायरिंग है, अगर आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली हुआ क्या, इसका फंक्शन क्या, तो आपको पता लग जाए कहां कैसे लगाना, तो प्रॉब्लम बहुत कम आएगी उसके बाद। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर जिसको ऑपरेट कर रहा है, जो मैनुअल जो मशीन के साथ जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये जो है ये कम्युनिकेट हमारे साथ नहीं करता, बैठ ये कैसे करता है इसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो इसको यहाँ से कनेक्शन मिलते हैं, और इसको कम्युनिकेट करने के लिए हम जो क्या करते हैं, इसको हम कम्युनिकेट कराते हैं मोबाइल के थ्रू, इसको मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करा सकते हैं, एलेक्सा के थ्रू कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इसको रिमोट के थ्रू कम्युनिकेट करवा सकते हैं, तो रिमोट से सिग्नल मिलेगा इसको, एलेक्सा से सिग्नल मिलेगा, मोबाइल से सिग्नल मिलेगा, तो जैसे मोबाइल से तो सिग्नल मिलता है तो क्या होता है इसको ऑन कर देगा स्विच को, जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है बल्ब ऑन हो जाता है, ऐसे जब इसको स्विच टू से जुड़ा हुआ है जब स्विच टू ऑन होगा तो ये बल्ब टू ऑन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी फैन लेवेटर भी सेम हमारा फैन लेवेटर, जैसे फैन लेवेटर में यहाँ पर दो वायर है, सेम यहाँ पर भी दो वायर दे रखे हैं फैन लेवेटर के अंदर, तो फैन लेवेटर में भी दो वायर दे रखे हैं, यहाँ पर भी दो वायर है, तो सेम वही चीज है, बस तीसरा जो ये वाला वायर दे रखा है ना, ये वाला वायर, ये जो हमने थर्ड वायर दे रखा है, ये थर्ड वायर किस लिए दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कम्युनिकेट कराने के लिए, यहाँ पर भी कम्युनिकेट कराने के लिए थर्ड पॉइंट है जो कि मैकेनिकल स्विच है, और वहां पर क्या इसमें क्या है थर्ड पॉइंट जो कि हमारा सिग्नल पे काम कर रहा है, बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, है सेम ही चीज बिल्कुल एज इट इज। इसको ऑपरेट कराने के लिए आपको इसके पास आना पड़ेगा, इसके पास तो जाके और इसको शेड्यूल नहीं, इसमें बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जब आप इसके थ्रो करते हैं, तो मतलब इसको कहीं से बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, शेड्यूल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऑन कराना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ कराना है, गीजर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑन करना है, गीजर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ कराना है, फिर आप आराम से बैठे बैठे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जब ये चीज आपको इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगर आपको इतना बात समझ में आ जाएगी तो आप इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजीली कर पाएंगे। अब ये क्या है, ये इस तरीके से रिले स्विच लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने रिले स्विच का इंस्टॉलेशन करना है तो इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशल सेपरेट वीडियो बना रखी है, वैसे वहां से भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन जैसे करना, मुझे रिले का इंस्टॉलेशन करना है, तो रिले के अंदर क्या है दो पॉइंट है, तो मतलब इस स्विच को रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब क्या करना है, यहां से मुझे जोड़ देना, ये ऊपर नीचे दो पॉइंट है, क्या करूंगा अगर मुझे क्या करना है, जैसे मान लिया अगर मुझे स्विच को हटाना पड़ा तो यहां से मुझे ये हटा दिया, यहां से मैंने इसको हटा दिया, तो बल्ब बल्ब को अगर मैं इस ये बल्ब बल्ब का पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसके बीच में अगर मैंने ये रिले लगा दी और इसको मैंने कर दिया सिग्नल से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मैं रिले को ऑन करता हूँ तो बल्ब वन मेरा ऑन होगा, रिले टू को ऑन करूंगा तो बल्ब टू ऑन होगा, रिले थ्री को ऑन करूंगा तो बल्ब थ्री ऑन होगा, और रिले ऐसे फैन रोटर को ऑन करूंगा तो फैन ऑन होगा। तो इसके इंस्टॉलेशन करने का दो तरीके हैं, दो तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एक तो ये इंस्टॉलेशन करने का तरीका है कि मैं जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे लगा दूं, ऊपर नीचे लगा दिया, यहाँ इसकी इसकी बिल्कुल पैनल में लगा दूं, फैन एरोमीटर को फैन एरोमीटर के पैनल में लगा दूं, स्विच फोर के पैनल में स्विच फोर वाले रिले लगा दूं, एक रिले लगा दूं, स्विच थ्री के पैनल में लगा दूं, उसके पैनल में जैसे जैसे लगे वैसे से मैंने लगा दूं, उससे क्या होगा आप जब स्विच ऑन करेंगे तब भी वो ऑन होगा, रिले ऑन करेंगे तब भी वो ऑन होगा, लेकिन आपने स्विच को ऑन कर दिया और रिले को ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो स्विच ऑन है,
अगर आपने रिले से ऑन कर दिया, स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो रिले से ऑन है। तो ये दिस इज द वन वे वायरिंग, इसको वन वे वायरिंग कहते हैं। ये वन वे वायरिंग है, तो वन वे वायरिंग को अपने जो है अलग से मैंने बता रखा है कि वन वे वायरिंग क्या होती है, टू वे वायरिंग क्या होती है, और दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान है। और ये जो होम ऑटोमेशन के मॉड्यूल जितने भी हैं वो वन वे वायरिंग और टू वे वायरिंग दोनों तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कि आप वन वे वायरिंग में जाना है टू वे वायरिंग में जाना है, दोनों तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब टू वे वायरिंग क्या होती है, टू वे वायरिंग में हम क्या करते हैं, इसको जो है स्विचेस को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं और स्विचेस की जगह ये लगा देते हैं और स्विचेस का कनेक्शन बिल्कुल हटा देते हैं और स्विचेस को भी हम जो है डायरेक्टली कंट्रोलर से ही कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कंट्रोलर रहता है, ये स्विचेस के कनेक्शन के लिए, ये स्विचेस के कनेक्शन के लिए स्विचेस का, अब स्विचेस का जो कनेक्शन है वो कंट्रोलर से हो जाता है टू वे वायरिंग में। इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्विचेस को मैं ऑन किया तो क्या हुआ, वो कंट्रोलर को सिग्नल देता है। स्विचेस को जब मैं ऑन करता हूं तो वो कंट्रोलर को सिग्नल देता है, कंट्रोलर क्या करता है रिले को ऑन करता है उसके रेस्पेक्ट में। स्विचेस को जब मैं ऑफ करता हूं तो कंट्रोलर को सिग्नल देता है उसके रेस्पेक्ट में, वो रिले को ऑफ करता है। तो उस केस में क्या होता है, आपके आपको जो है पता लगता रहता है सारा आपको जो है उस केस में। ये टू वे वायरिंग का केस है। इसमें क्या होगा, जब भी रिले को आप स्विचेस को आप ऑफ कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन मोबाइल में पता लगेगा, मतलब स्विचेस से ऑन कर दो या ऑफ कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप जो है एलेक्सा से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो स्विचेस से हो चाहे वो एलेक्सा से। तो ये टू वे वायरिंग का केस है। और वन वे वायरिंग में आपको उसको पैनल में लगा देना है, पैनल में लगा देंगे तो क्या होगा उस केस में, उस केस में क्या होगा, जब आप पैनल में लगा देंगे तो जब या तो इससे ऑन कर पाएंगे या उससे ऑन कर पाएंगे। तो दिस इज द वन वे वायरिंग। लेकिन दोनों का अपना अपना फायदा है, अपने अपने नुकसान। फायदा क्या होता है वन वे वायरिंग का, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने वन वे वायरिंग में वायरिंग की हुई है तो उस केस में क्या होता है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपकी स्विचेस जो है, क्योंकि स्विचेस की वायरिंग को हमने बिल्कुल नहीं चेंज किया वन वे वायरिंग, खाली पैनल में इसको लगाया, मान लो रिले खराब हो गई तो क्या हुआ, स्विचेस से आप ऑन ऑफ कर ले क्योंकि पैनल में लगा हुआ, क्योंकि अगर पैनल में लगा हुआ है तो क्या हुआ, अगर आपकी रिले खराब हो जाती है, कंट्रोलर खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऑटोमेशन वाले पार्ट में, तो आपके स्विचेस से आप ऑन ऑफ कर लेंगे। लेकिन टू वे वायरिंग के केस में, क्योंकि स्विचेस को भी आप जो है एज ए सिग्नल की तरह यूज कर रहे हैं और वो भी इस कंट्रोलर को ही सिग्नल दे रहा है स्विचेस भी, तो उस केस में क्या हुआ, अगर आपकी रिले खराब होती है तो रिले तो स्विचेस आपने तो क्या हुआ, स्विचेस को ऑन किया तो क्या हुआ, वो कंट्रोलर को सिग्नल देगा, कंट्रोलर रिले को सिग्नल देगा और रिले अगर खराब है तो ऑन ऑफ नहीं हो, या कंट्रोलर खराब है तो ऑन ऑफ नहीं हो क्योंकि वो सिग्नल दे रहा है कंट्रोलर और कंट्रोलर सिग्नल दे नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है स्विचेस भी काम नहीं करेगा टू वे वायरिंग केस में। तो वन वे वायरिंग और टू वे वायरिंग का दोनों का अपना अपना फायदा है, अपना अपना नुकसान। और जनरली ये कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, खराब होता नहीं है जनरली, लेकिन ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई कि दोनों के क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। होप आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन वाला पार्ट है ये वायरिंग किस तरीके से हमें करनी है, और बाकी डिटेल में हमें वायरिंग कैसे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं कि वायरिंग को हम जो वन वे वायरिंग कैसे करते हैं, टू वे वायरिंग कैसे करते हैं, वो सब वायरिंग है स्पेशली मैंने वहां पर भी समझाया हुआ है। ये चीज इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करने का एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, एलेक्सा के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बस इतना सा प्रोसेस है, होप आपको समझ में आ गया हो। कोई अगर डाउट हो उसके बाद भी तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।